पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली। मोहाली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के दो गुर्गों को मोहाली से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को मोहाली पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के साझे ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों हरियाणा में एक्टिव थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गगी और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, जो कि हरियाणा के ही रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से पुलिस को .32 कैलिबर की पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और हरियाणा नंबर की एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद हुई है। इन दोनों ही बदमाशों को एक सूचना पर दारा स्टूडियो जुझार नगर मोहाली से गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के खिलाफ थाना बलौंगी में आर्म्स एक्ट की धारा 25(7) और धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित मनप्रीत सिंह मन्ना के संपर्क में भी थे। मनप्रीत सिंह मन्ना वही व्यक्ति है जिसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने आए हमलावरों को टोयोटा कोरोला कार मुहैया कराई थी। दोनों आरोपित मनप्रीत मन्ना के माध्यम से कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में थे। हालांकि मनप्रीत मन्ना को सिद्धू मूसेवाला कत्ल के आरोप में पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इन दोनों ही बदमाशों से पूछताछ में एक बात और सामने आई है कि ये दोनों ही बदमाश हरियाणा के बॉर्डर एरिया में हथियारों की तस्करी भी किया करते थे। विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर इन हथियारों को पंजाब और उसके आसपास वाले इलाकों में ये बदमाश सप्लाई किया करते थे। इन दिनों दोनों हरियाणा में काफी सक्रिय थे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई की शाम को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। SSP मोहाली विवेकशील सोनी का कहना है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस के साझे ऑपरेशन में दोनों आरोपितों को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।